हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे पीसी के अंदर, या किसी भी जो है एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, या कोई भी जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो वहाँ पर, हमारे एसडी कार्ड में, पेन ड्राइव में, कहीं पर भी हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है, वीडियोज़ हुए, ऑडियो हुई, या पीडीएफ वगैरह हुई, डॉक्यूमेंट्स हुए, वो कई बार या तो गलती से हमसे ही डिलीट हो जाते हैं, या कई बार हमारी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, या कई बार जो हमारा जो पीसी है वो हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। तो वो फाइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और वो डिलीट हो जाती है और फिर हमें उन्हें रिकवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो कैसे करेंगे आप? जी हाँ दोस्तों, कैसे आप वो फाइल रिकवर करेंगे? तो उसके लिए आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूर से आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप जो है उस फाइल को रिकवर नहीं कर पाते हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बिल्कुल आसानी से एक सिंगल क्लिक के द्वारा आप किसी भी डिलीटेड फाइल को बिल्कुल आसानी से रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, डेटा रिकवरी के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे वो है यहाँ पर एज एस डेटा रिकवरी विजार्ड फ्री 12.9। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये सॉफ्टवेयर है और इससे आप जो है हर प्रकार की फाइल को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी डिलीट हुई हो, चाहे वो आपकी फॉर्मेट हुई हो, चाहे आपका किसी भी तरह से आपका डेटा लॉस हुआ हो, तो वो सारी की सारी फाइलें यहाँ पर आप जो है रिकवर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर इनके यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के फीचर कि किसी भी तरह से आपकी कोई भी फाइल जो है यहाँ पर, चाहे फॉर्मेटेड हो, चाहे वो आपकी एक्सीडेंटली डिलीट हुई हो, रिसाइकल बिन से आपने जो है डिलीट कर दी हो, हार्ड ड्राइव आपकी डैमेज हो गई हो, या किसी भी तरह से वायरस जो है अटैक हुआ हो, या आपका जो है कोई भी यहाँ पर जो है मेमोरी कार्ड क्रैश हो गया हो, या कोई भी जो है यहाँ पर आपकी जो है जो पार्टीशन आपने कर दिया हो, तो किसी भी तरीके से आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो गई हो, वो यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आपको जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट, वीडियो, उसके बाद जो है ईमेल्स रिकवर कर सकते हैं, ग्राफिक्स यानी कि आपकी इमेज रिकवर कर सकते हैं, किसी भी तरह की इमेज हो, ऑडियो फाइल रिकवर कर सकते हैं, साथ में जो और दूसरी फाइल्स हैं वो भी आप यहां पर रिकवर कर सकते हैं, यानी कि हर तरह की फाइल यहां पर आप लोग रिकवर कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री में जो है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो पहला लिंक आपको दिया गया है बस उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपका जो एज एस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डाउनलोड करके, और उसके बाद कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल कुछ टाइम लगेगा, नेट कनेक्शन के हिसाब से आपकी जो स्पीड रहेगी उसके हिसाब से कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा। तो फिलहाल मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद ये जो है इंस्टॉल होगा, तो कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा। आप लोग देख सकते हैं जो डाउनलोड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जो है फिलहाल ये इंस्टॉल हो रहा है। और इंस्टॉल होने के बाद में जैसे ही आप इसे जो है स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी है, आप कोई भी लोकेशन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, मेमोरी कार्ड कोई आपने लगाया है, कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव आपने लगाई। तो मैं यहाँ पर मेमोरी कार्ड जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, तो उसी को मैं जो है यहाँ पर रिकवर करूँगा। देखिए स्कैन पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करने के बाद में तुरंत आपकी जो फाइल्स है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए मैं इस कार्ड को दोस्तों यहाँ पर जो है अपने कैमरे के लिए यूज़ करता था, तो मैंने जो है फाइल्स जो है पहले से डिलीट कर देता था उनको जो है, क्योंकि मेरे पास 16 GB का ही कार्ड था, तो ये फाइल जो है मेरी डिलीट हो गई थी। तो दोबारा से मैं यहाँ पर इन्हें रिकवर कर सकता हूँ। देखिए फ़ोटोज़ भी आ गए हैं और जो वीडियोज़ हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो बस जिन्हें भी आप रिकवर करना चाहते हो बस उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना। देखिए सामने जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, टिक वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, उस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ जो है फाइल सेलेक्ट करना चाहूँ, जो भी मैं आपको सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो साइड में आपको सबसे नीचे यहाँ पर देखिए रिकवर वाला बटन ये दिखाई देगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, तुरंत आपकी जो फाइल्स होंगी दोस्तों वो रिकवर हो जाएंगी। यानी कि एक बस आपको क्लिक करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप अपनी फाइल्स को जो है यहाँ पर रिकवर कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है वैसे तो ये, और इसका जो है आप पेड वर्जन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 50% डिस्काउंट सेल चल रही है, उसका लिंक भी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप 2 GB से ज़्यादा जो है फाइल रिकवर करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर जो है पेड वर्जन इसका आप परचेज कर सकते हैं, वरना फ्री वर्जन भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 50% डिस्काउंट सेल चल रही है और उसका जो सेकंड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।
Oh, 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 oh